हिमाचल प्रदेश में दो दिन से तेज बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में लैंडस्लाइड, बादल फटने और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 52 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने राज्य में 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला के समरहिल इलाके में स्थित शिव बावड़ी मंदिर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में आ गया। 15 से 20 लोग मलबे में दबे हुए हैं। रात 8 बजे तक यहां से 2 बच्चों समेत 11 शव निकाल लिए गए हैं, बाकी की तलाश जारी है। सुबह लगभग 7:30 बजे हुए हादसे के बाद दिन भर बारिश के बीच बचाव कार्य चलता रहा। दिन ढलने के बाद तेज बारिश के बीच जनरेटर से लाइट का इंतजाम करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की वजह से मंदिर में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मंदिर के ऊपर मलबे के साथ 4-5 पेड़ भी आ गिरे, इसी से ज्यादा नुकसान हुआ। हादसे के तुरंत बाद SDRF, ITBP और पुलिस और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुट गए। लैंडस्लाइडिंग के लगभग 5 घंटे बाद रोड ठीक करके मलबा हटाने के लिए JCB मशीन मौके पर लाई गई। हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शिमला में घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन मलबे को हटाने के लिए काम कर रहा है, फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। उधर CM के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा 10 से 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री ने जिला सोलन की ग्राम पंचायत मबलिंग में भूस्खलन से प्रभावित जड़ौन गांव का दौरा भी किया। यहां बादल फटने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री त्रासदी देख भावुक हुए और कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।